Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samal Khan presenting my 8th lecture of class 3 from New Oxford Social Studies. It's your revision lecture because our course has been done. Unit number 4, culture. Lesson number 11, festivals. Homework is words meaning. Here is your book title page. This one, festivals. You have learned about festivals in your class. ठीक है, आपने class में festivals के बारे में पढ़ा हुआ है. हमारा course finish हो गया है, हमारी worksheets finish हो गई हैं, इसलिए हम revision पे आ रहे हैं. और revision में आपके lessons revise करवाऊंगी मैं, आपको properly revision करवाएंगे, जिसको आपने अच्छे से याद भी करना है. और आपका जो काम registers पर जाना होगा वो भी मैं साथ साथ as homework आपको देती जाऊँगी. ठीक है, सो बहुत अच्छे से अगर आप क्लास में कभी एब्सेंट रहे हो या आपको नहीं आइडिया रहा कि आपने क्या काम करना था, तो अभी रिवीजन लेक्चर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे और उसको मेमोराइज कर लेंगे. ठीक है, अपने माइंड में. फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स होते क्या है? त्यौहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो मनाते हैं हम. अ फेस्टिवल सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. ठीक है, फेस्टिवल वो चीज़ होती है जो हम पास्ट में हुए हुए कोई इवेंट को उसकी याद में मनाते हैं. ठीक है, जैसे हम इस्लामिक फेस्टिवल्स, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं. ड्यूरिंग द ईयर वी सेलिब्रेट मैनी डिफरेंट फेस्टिवल्स. हम बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं. दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ये हमारी सकाफत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कल्चर से ही पता लगता है कि हमारा एक कहते हैं ना कि कंट्री के अंदर कल्चर बताता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं. आपकी ट्रेडिशंस आपके कल्चर बताता है, आपका लैंग्वेजेस बताती हैं, आपकी स्पोकन बताती है, आपके फूड बताता है कि आपका कल्चर क्या है. सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड टू रिलीजन. यू नो दैट द मोस्ट पाकिस्तानीज आर मुस्लिम. पीपल फॉलो अदर रिलीजन टू. द फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन सेलिब्रेट स्पेशल डेज. दी स्पेशल डेज आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स. एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं. हम अपने रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं. और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते हैं और दूसरे रिलीजन्स वाले भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं और हमारे पास हिंदू भी रहते हैं और ज़ोरोस्ट्रियनियंस भी रहते हैं. तो वो भी अपने अपने स्पेशल डेज के ओकेजन के हिसाब से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पर देख लेते हैं वो वाले. उन्होंने कहा है कि ऐसे फेस्टिवल्स रिलीजियस फेस्टिवल्स कराते हैं जो हम अपने मज़हब को देखकर मनाते हैं, उसकी याद में मनाते हैं. हियर आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? इस्लामिक, यानी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुस्लिम्स हैं, हम कौन से मनाते हैं? ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा यानी जो रमज़ान के बाद ईद आती है वो, ईद उल अज़हा यानी वो जिसे आप बकरीद बोलते हैं. ठीक है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसमें हम मनाते हैं ये. ठीक है, और ईद मिलादुन्नबी हज़रत पाक सल्लम की विलादत और उनकी विसाल का जो दिन है वो, उस पर हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी आमद को. क्रिश्चियंस अब क्या करते हैं? क्रिसमस इवेंट्स उनके जो हैं, ये क्रिसमस को, ईस्टर मनाते हैं वो, और सेंट्स डे उनके जो अपने बुजुर्ग हैं जो जिनको वो लोग मानते हैं उनके डेज को वो सेलिब्रेट करते हैं. हिंदूज किसको करते हैं? दिवाली को, दशहरा और होली, ये तीन फेस्टिवल्स उनके होते हैं. ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो होती हैं, ज़ोरोस्ट्रियनियन किसको मनाते हैं? जमशेदी नरोज को, शाहिनशाही नरोज और खुर्दद साल. ठीक है, इनके अपने ही फेस्टिवल्स हैं जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो इन्होंने बनाए हुए हैं, जो इनके अकॉर्डिंग इनके होली फेस्टिवल्स होते हैं. मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान. व्हेन द होली मंथ ऑफ रमज़ान इज़ ओवर, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट शवाल दे प्रे एट एन ईदगाह. ठीक है, आप सबको पता है कि रमज़ान के बाद जो फर्स्ट शवाल होती है उस पर जो हम ईद मनाते हैं, ईद उल फितर, और सब लोग जाते हैं ईदगाह. ईद एक प्लेस होती है जहाँ पर वो ईद की नमाज अदा करते हैं मुस्लिम्स. दे वियर न्यू क्लोज, ग्रीट ईच अदर एंड हैव अ फीस्ट. ठीक है, वो लोग खाते हैं, दावतें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इस तरह से ईद मिलते हैं ना, और साथ में ईद मुबारक कहते हैं. दे ऑल्सो ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स. चिल्ड्रन ईट गेट ईद गिफ्ट्स, यूजली मनी एंड मैनी ट्रीट्स. बच्चों को ईदी दी जाती है और बहुत सी ट्रीट्स घर में अच्छे खाने बनते हैं. स्पेशली मीठा बनता है कि ईद पर हम स्वीट खाएंगे. ठीक है, ईद सेलिब्रेशन इस तरह से की जाती हैं, आप सबको पता है, मनाते हैं सब लोग ईद. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 10th ज़िलहज टू सेलिब्रेट द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. दिस इज़ द टाइम ऑफ हज पिलग्रिमेज टू मक्का. आपको पता है हज के मौके पर यह चीज़ मनाई जाती है और सारा कुछ रिवाइज़ किया जाता है, करवाया भी जाता है, खुतबतुल उसमें हज का खुतबा भी होता है, उसके बाद बताया जाता है कि कौन कौन से मुकामात हैं, क्या क्या हुआ था, और वह सारा वाकया दोबारा से बताते हैं. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किस लिए मनाते हैं? इज़ द डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम्स. इट इज़ द बर्थडे ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 12th ऑफ रबीउल अव्वल. ये भी आपको पता है कि रबीउल अव्वल की 12 को हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाते हैं. ठीक है, पैदाइश का दिन मनाते हैं.
In Pakistan, we celebrate other special days too. These days are celebrated all over the country. They are known as national festivals. National festivals कौन से होते हैं जो सब लोग मनाते हैं? Religious होते हैं ना, जो जो जिनका मजहब है वो अपने मनाते हैं, लेकिन national होते हैं पूरा मुल्क मनाता है. 23rd March of Pakistan Day. Pakistan Day मनाते हैं. On this day in 1940, Muslim leader decided to form a new and separate country called Pakistan. Pakistan Day जिसे बोलते हैं 23 मार्च की हम प्रॉपर वो करते हैं, हमारी एक हिस्ट्री का ये वो है, वाकया है पूरा, ठीक है. अच्छा, 1 मई को लेबर डे मनाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्पेशल डे फॉर दोज हु वर्क हार्ड ड्यूरिंग द ईयर. ऑन लेबर डे ऑल वर्किंग पीपल हैव अ हॉलीडे. लेबर डे मनाते हैं कि मजदूरों की छुट्टी का दिन होता है, उनको ट्रिब्यूट किया जाता है कि ये दिन उनकी छुट्टी का दिन है. पूरे इंटरनेशनल हॉलीडे बेसिकली होती है, नेशनल हॉलीडे तो होती है, लेकिन 1 मई प्रॉपरली सेलिब्रेट भी किया जाता है कि सबको मजदूरों को छुट्टी दी जाती है उस दिन, के वो लोग पूरा साल बहुत काम करते हैं. 14 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस डे ऑफकोर्स हम लोग मनाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है उस दिन. बिफोर 1947 द लैंड वी कॉल ऑल कंट्री was ruled by British. On 14 August 1947 our country become free from British rule. ठीक है, क्या है हमारे पास जब पहले पाकिस्तान नहीं बना था, आपको पता है कि बहुत मुश्किलों से हमारे लीडर्स ने बहुत सारी मेहनत की है हमारे पाकिस्तान बनाने के लिए. ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारे ऊपर, फिर उसके बाद 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त को हमारा मुल्क प्रॉपरली आज़ाद हुआ है कि हम किसी की मिड में, हम किसी के स्लेव बन के ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम बिल्कुल फ्री होके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपने कंट्री में. 25 दिसंबर इज़ द बर्थडे ऑफ कायदे आज़म. इट इज़ ऑल्सो क्रिसमस डे फॉर द क्रिश्चियंस हु सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. कायदे आज़म डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, आपको पता है, और इसी के साथ 25 दिसंबर को क्रिसमस भी होता है कि क्रिश्चियन समझते हैं कि इस दिन जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, तो वो क्रिसमस इसलिए भी मनाते हैं. वो अपने उनके फेस्टिवल बनाने का तरीका होता है, स्वीट्स देते हैं और फ्रूट्स देते हैं वो, ठीक है. अदर फेस्टिवल्स, रंगोली, ये आपने कभी इंडियन ड्रामास में, इंडियन उसमें देखा होगा, ये वो लोग बनाते हैं, कलर की बनाते हैं, ठीक है, अपने फ्लोर्स पर. दिवाली इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली पे वो लोग लाइटिंग करते हैं. होली इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. इसमें वो लोग कलर्स के साथ अपने गेमिंग करते हैं और खेलते हैं. दशहरा होती है, ये सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. वो इसलिए मनाते हैं कि जो है अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पर. बैसाखी इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मिड ऑफ द अप्रैल ईच ईयर. बैसाखी जो है वो सिख का फेस्टिवल है, वो अप्रैल के मिड में मनाया जाता है हर साल. बसंत होती है इज़ द फेस्टिवल. बसंत तो सभी मनाते हैं ना, काइट्स का फेस्टिवल होता है. सेलिब्रेटेड इन फेब्रवरी इन पंजाब. पीपल वेयर ब्राइट फेस्टिवल क्लोथ्स एंड फ्लाइंग काइट्स इन द क्लियर एंड विंडी स्प्रिंग स्काई. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप लोग बहुत सी काइट्स लेकर आते हो, काइटिंग करते हो और बहुत इंजॉय करते हो, फूड करते हो, अपना सारा ट्रीटिंग करते हो एक दूसरे के साथ. नरोज़ क्या होता है, मीन्स नो डे रोज, ठीक है, इन पर्शियन. नरोज़ पर्शियन का एक वर्ड फेस्टिवल है. इट इज़ ट्रेडिशनल ईरानियन न्यू ईयर हॉलीडे. न्यू ईयर हॉलीडे होती है बेसिकली ये. इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द ज़ोरास्ट्रियंस. पारसीज, ठीक है, पारसीज भी इस चीज़ को मनाते हैं. नरोज मार्क्स द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. 21 मार्च स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड ओवर दिस डे एंड स्पेशल प्रेयर्स आर सेड. अच्छा, ये इसलिए मनाई जाती है कि उनका स्प्रिंग की जो सेलिब्रेशंस होती है, स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए ये लोग मनाते हैं. फेस्टिवल्स के क्वेश्चन आंसर्स आपने किए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में बिठा लें इनको. व्हाई डू वी यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टू प्रमोट आवर कल्चर. अपने कल्चर को बताने के लिए, बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए बनाते हैं. व्हाट रिलीजियस फेस्टिवल्स इन सेलिब्रेट इज़ सेलिब्रेट इन जिलहज. जिलहज में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है. ईद उल अज़हा मनाई जाती है. व्हेन पाकिस्तान डिड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ. 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. व्हाट इवेंट्स आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. हर साल हम कौन कौन से इवेंट्स मनाते हैं. 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बर्थडे मनाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. आपके होमवर्क है वर्ड्स मीनिंग. एक चीज़ आपने याद रखनी है, वर्ड्स मीनिंग में हमेशा रूल ये होता है कि वर्ड्स स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स नहीं होते. ठीक है, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं आपने, एज आई हैव रिटन हियर. थैंक यू सो मच. डन फॉर टुडे.